हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट गुरुजी। कैट मींस क्या हो गया? कमांड और टेक्निकल। माई सेल्फ आशुतोष सर, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। मैं यहां आपको लिमिट पढ़ा रहा हूं और लिमिट का ये थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको दो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप दो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन बताए थे और टेंस टू कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू ए एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू ए प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू बताए थे, टेंस टू ए, तो उसमें तीन हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस कॉन्सेप्ट ऑफ ए टेन ए प्लस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ए, ये बताए थे। दूसरा वीडियो बताया हूं उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर है आपका, थर्ड वीडियो है, इसमें बताने जा रहा हूं इंडिटरमिनेट फॉर्म, ओके। तो इस वीडियो में मैं देखता हूं तो क्या होता है कि जो लिमिट होते हैं उसमें टोटल 60 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले ही समझिए कि इंडिटरमिनेट ये 0/0 फॉर्म को बोलते हैं इंडिटरमिनेट, 0 * इंफिनिटी फॉर्म को बोलते हैं इंडिटरमिनेट, इंफिनिटी के पावर 0 अगर होता है इंडिटरमिनेट, और 0 का पावर 0 और इंफिनिटी बटा इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और 1 के पावर इंफिनिटी, ऐसा अगर फॉर्म आता है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। एग्जांपल्स ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट वाला एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं यहां एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस टू, यहां लिख रहा हूं लिमिट एक्स टेंस टू टू, यह एग्जांपल नंबर वन है, एग्जांपल नंबर वन है, एंड लिख रहा हूं साइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, ये लिख रहा हूं। तो अब इस तरह से लिखना है फर्स्ट, हालांकि लिमिट का मैं पहला बार कुछ लिख रहा हूं, लिमिट के प्रॉब्लम इस टाइप से सवाल आएंगे, इसको मैं बता रहा हूं कि कौन सा फॉर्म में आता है, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर सॉल्व करना, इसी टाइप का आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो चलिए मैं देखता हूं। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं ये समझना है आपको, ये लिमिट है, लिमिट इसका मतलब क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू टू, इसका मतलब समझ रहे, पहले मीनिंग बता चुका हूं कि एक्स टू लेफ्ट से भी जा रहा है और राइट से भी आ रहा है, क्लियर है। तो क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लिमिट का, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप जो भी एक्स टेंस टू कर रहा होगा, जो वैल्यू हो रहा होगा, वो डायरेक्ट आप पुट करके करेंगे, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है या नहीं आता है, आता है तब क्या करेंगे, नहीं आता तब क्या करेंगे, दोनों के हम अलग अलग सेपरेट मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स बराबर, यानी एक्स टेंस टू टू है, इसका मतलब एक्स बराबर आपको टू पुट करना है इसमें, तो मैं पुट करके देखता हूं, ठीक है, पुट x टेंस टू x इक्वल टू टू, तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू माइनस टू अब भाई क्या हो जाएगा, साइन टू स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा, तो दो में से दो हटाएंगे जीरो हो जाएगा, ये भी दो चार चार एंड साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो देख रहे हैं 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो कहने का मतलब है इसको बोलेंगे 0/0 फॉर्म, यानी ये जो सवाल है इसको, ये सवाल है 0/0 फॉर्म का सवाल है, 0/0 फॉर्म का क्या है, सवाल है 0/0 फॉर्म का सवाल है, क्लियर है। तो इसी तरह से अब मैं मुझे सबका एक्सप्लेन नहीं करने जरूरत है, चल इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर लिख रहा हूं एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर और टेन जीरो, तो टेन एक्स लिख रहा हूं, तो ये चेक कर रहा हूं, तो क्या कर रहा है, यहां हो गया एक्स कहां अप्रोच कर रहा है, किधर अप्रोच कर रहा है, जीरो की अप्रोच कर रहा है, तो मैं देखता हूं कि यहां क्या क्या हो रहा है, तो हम पुट कर देते हैं, तो यहां एक्स जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा और 10 0 यानी 0/0 फॉर्म हो गया, 0 अच्छा सॉरी इंफिनिटी है ना, तो इंफिनिटी बनाने के लिए हम कर सकते हैं π/2 माइनस x, ये कर देता हूं, तो अब देख रहे हैं यहां π/2 बन जाएगा, तो क्या होगा, x 0 पुट करो π/2, तो 0/∞ का फॉर्म आ गया, यानी ये आपका इस फॉर्म में आ गया, तो सब देख रहे हैं। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि इस फॉर्म में आता है या नहीं आता है, तो टोटल आपका 7 फॉर्म है, तो आपको फॉर्म कैसे चेक करेंगे ये मैं बता चुका हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं टोटल फॉर्म पर चर्चा कर दे रहा हूं, तो याद रखना पड़ेगा और कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं फॉर्म है। तो दोनों तो खतरनाक था, आपको याद होगा पहले ही कि क्या खतरनाक था कि ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल फॉलो नहीं करता था, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं करता था, ये जीरो नहीं होता था, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी बराबर वन नहीं होता था, तो ये दोनों तो ऑलरेडी आपका आ जाएगा इंडिटरमिनेट में, क्योंकि ये सब इंडिटरमिनेट का मतलब होता है जिसको आप आसानी से सॉल्व नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, उसको इंडिटरमिनेट बोलते हैं, और जो आसानी से सॉल्व होता है उसको डिटरमिनेट बोलते हैं। हालांकि ये इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट वर्ड है, ये आपका मैकेनिक्स का वर्ड है या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वर्ड है, वहां का वर्ड है, यहाँ का वर्ड है, और दोनों जगह सेम नहीं होता, जिसको आप आसानी से सॉल्व नहीं करते हैं उसको इंडिटरमिनेट बोलते हैं।
और जिसको आसानी से समझ जाते हैं उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो ये सब क्या है, सब आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो इस टाइप के इस सब प्रॉब्लम को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो दो ठो तो ऐसे ही हो गया, यहां से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा का रूल नहीं है इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये भी ऑर्डिनरी अलजेब्रा का रूल नहीं इसलिए क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके इसके अलावा क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, वन के पावर इंफिनिटी याद रखेगा, इसके अलावा क्या हो जाएगा इंफिनिटी, दो इंडिटरमिनेट फॉर्म याद देखिए बाबू याद रखिएगा, सात यहाँ प्रॉपर्टी है टोटल सात ही याद रखिएगा, सात को सात 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 याद रखना, सात दुनिया में जानते हैं क्या क्या होता है, सात सप्ताह होता है, रेनबो में सात कलर होते हैं और क्या होते हैं सात बार शादी में चक्कर लगाते हैं, देखिए सात कहाँ का फैक्टर होता है, और यहाँ चौथा चीज हो गया सात, तो याद रखते हैं क्या क्या हो गया, सात हो गया आपका सेवन डेज होते हैं, सेवन कलर्स होते हैं रेनबो में होते हैं, सात चक्कर मारते हैं, यहाँ यहाँ भी याद रखना है इंडिटरमिनेट कितने हो गए सात हो गए, हालांकि दूसरा और होता है अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखना है। तो पहला इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ, दूसरा क्या होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दूसरा फॉर्म हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा वन के पावर इन्फिनिटी, वन टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी आपका तीसरा हो गया, अब याद रखना है चार्ट हो। नेक्स्ट क्या होगा जीरो इंटू इन्फिनिटी, ठीक है जीरो इंटू इन्फिनिटी, इसके बाद इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी और जीरो का पावर जीरो, ठीक है तो इस तरह से आपका याद हो गया, याद हो गया और जीरो बाई जीरो, तो टोटल आपको आई थिंक याद हो गया, हमें बताने चाह रहा हूँ ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो तो ये हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, और क्या हो गया आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जो कि वहां ऑर्डिनरी अलजेब्रा का रूल फॉलो नहीं करता था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दो हो गया, तीसरा कौन सा हो गया आपका वन के वन टू द पावर इन्फिनिटी, ये तीन हो गया, अब बचा चार, चार कौन सा हो गया तो जीरो बाई जीरो, ठीक है चार हो गया, दूसरा क्या इसका नेक्स्ट क्या होगा चार हो गया, पांचवा कौन सा होगा जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, नेक्स्ट होगा इन्फिनिटी का पावर जीरो हो जाएगा, इसके बाद जीरो का पावर मतलब यहाँ इन्फिनिटी का पावर भी जीरो और जीरो का पावर भी जीरो याद रखना है, जीरो के पावर जीरो भी और इन्फिनिटी का पावर भी जीरो, ये टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म है आपका।